ये देखें 10 pound की है। ये देखें जी टिकटॉक बन रही है, पीछे आपको मेरे KFC नजर आ रहा होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी मैंने काम फिनिश किया है, शाम हो चुकी है, मगरिब का टाइम है। कुछ चीज़ें मुझे रहती हैं जो मुझे कल लेनी थी, मैं कल पिक नहीं कर सका तो आज भी थोड़ा लेट हूँ मैं, लेकिन अभी टाइमिंग है, शॉप्स खुली हुई हैं, मैंने चेक कर लिया ऑनलाइन। तो दो स्टोर्स में मुझे जाना है, तो फिर वहाँ आपको मैं लेके चलता हूँ। गाड़ी में आए हो, स्टार्ट की है और साथ ही ये लाइट ऑन हो गई है, समझ रहे हो? गाड़ी का पेट भर दिया, अब चलते हैं जी शॉप्स की तरफ जहाँ हमें चीजें लेनी है, इससे पहले कि सब कुछ बंद हो जाए। पहुँच गया हूँ, इस वक्त मैं एपिंग फॉरेस्ट में हूँ और जिस शॉप पे मैं आया था वो तो बंद है। नहीं जबकि मैंने गूगल पे सर्च किया, ऑनलाइन चेक किया तो लिखा हुआ था 8 बजे तक खुले में, लेकिन आई डोंट नो व्हाई शॉप्स बंद है। इवन के उनका टाइमिंग आवर्स जो है वो भी लिखा हुआ है वो ओपन है 9 बजे तक, 8 बजे तक, तो काम ख़राब हो गया। रुको जरा, सब्र करो, दूसरी शॉप पे चलते हैं जहाँ मुझे जाना था और उधर से जाके देखता हूँ उधर से अगर कुछ मिल। ये शॉपिंग सेंटर है, काफ़ी बड़ा शॉपिंग सेंटर है, सामने ये कार शोरूम है, ये बूट्स है, LD की शॉप इधर अवेलेबल है, ये JD है, कार फैक्ट्री नेक्स्ट भी इधर अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें 10 pound की है, वेस्ट 36 है, ये 14 pound, ये भी 36 वेस्ट है, जिसकी भी 36 वेस्ट है इसके लिए काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है। 14 pound अदर 14 pound की है और इसकी वेस्ट सेम ही है, 42-36 वेस्ट बड़ी है। ये देखें ये फुल शर्ट्स हैं, कोई 12.50 की है, कोई 15 pound की है, कोई 16 की है, कोई 19 pound की है, ये 12.50 की है। ये शूज़ सामने लगे हैं, इसमें सिप भी है, आई थिंक ये बेहतर है। लेकिन लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग। ये एक शर्ट अच्छी लगी है मुझे, रेगुलर फिट है। जो चीज़ मैं लेने आया हूँ ना एक्चुअली वो ये नाइटी है, ये मुझे चाहिए, लेकिन ये हाफ स्लीव में है, फुल स्लीव चाहिए मुझे। जो चीज़ लेनी थी उसकी शॉप बंद था, मैंने सोचा था नेक्स्ट पे जाता हूँ वहाँ जाके नाइटी ले लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिले इतनी दूर आया हूँ, लेकिन उनके पास भी हाफ स्लीव थी, फुल स्लीव है नहीं थी। तो इससे पहले कि दूसरी शॉप जहाँ मुझे जाना है बंद हो जाए, कुछ और मुझे लेना है वहाँ से, तो वहाँ मैं चलता हूँ वो ले लेते हैं, एटलीस्ट आज के दिन कुछ ना कुछ तो मैं ले लूँ। फाइनल डेस्टिनेशन पे जगह पे पहुंच गया जहाँ मुझे आना था, पीछे आपको मेरे KFC नज़र आ रहा होगा, उसको देखना हलाल है लेकिन उसको खाना हराम है, तो उसको खाइएगा ना क्योंकि वो हलाल नहीं है। अब मेरा जो से स्टोर मुझे जाना है वो मेरे सामने है, देखें जी ये क्या क्या बेचते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं, ये सब चीज़ें आपको इधर मिल जाती हैं, बर्तन से ले कर टॉयलेटरी से ले कर कर्टन रेल्स
बेड सोफा जिम का स्टाफ जैसे बेबी एंड नर्सरी स्टाफ सारी ऑप्शंस हैं जो आपको चाहिए आप उनसे ले टेक्नोलॉजी भी आईफोन से लेके टैबलेट्स कैमरा क्या क्या नहीं ये लोग करते जो चीज़ मुझे लेनी थी मुझे मिल गई है। यहाँ आपको जो भी घर की चीज़ चाहिए कुछ भी आपको चाहिए होगा ऑलमोस्ट कह लें आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाता है सिवाय चीनी आटा दालों के अलावा सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग तो नहीं कहूँगा गुड आफ्टरनून क्योंकि एक बज चुका और मैं इस वक्त आया हूँ ग्रोसरी लेने मुझे पानी चाहिए पानी ख़त्म है गाड़ी में तो पानी लूँगा और जो चीज़ रात को मिसिंग थी वो भी लूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह से मैं सोया नहीं हूँ आपको सुबह से मैं सोया नहीं वैसे क्या होता इंसान रात से नहीं सोया होता लेकिन मैं सुबह से नहीं सोया। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं इस वक्त आ गया हूँ सेंसरी में जैसे कोई चीज़ें लेता हूँ रात को नींद ही नहीं आई मुझे बहुत कोशिश की मैंने कि सोऊँ लेकिन नींद जो सी थी वो कह रही थी मैंने आना ही नहीं। मुझे जो कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ से तो मैंने पिक कर ली हैं सारा जो काम है पहले कर लें रिलैक्स हो जाए फिर हम वीडियो बनाते हैं। ये देखें जी टिकटॉक बन रही है टिकटॉक बना रहे हैं। मेरी एक मीटिंग थी अभी वो मीटिंग से मैं आया हूँ और ज़बरदस्त किस्म के मसाला चिप्स और एक बन कबाब खाया मैंने एक शॉप थी नियरेस्ट ही मेरे काम के अभी मैं जा रहा हूँ वापस वेयर हाउस में गाड़ी को पिक करते हैं और उसके बाद घर जाते हैं क्योंकि काम मेरा ख़त्म हो गया था। मैंने एक चीज़ ऑर्डर की थी और उसकी डिलीवरी का मैं वेट कर रहा था और फाइनली वो मेरे हाथ में है मुझे मिल गया और क्या चीज़ मैंने ली है आज वो है जी DJI का ओसमो 6 गिम्बल लिया हमने जो हम इंशाल्लाह अपने व्लॉगिंग में यूज़ कर रहे हैं। मैं लेट हो गया अभी इसको अनबॉक्सिंग तो नहीं करूँगा तो अनबॉक्सिंग फिर हम इसको नेक्स्ट किसी वीडियो में रख लेते हैं जैसे भी होगा। फिलहाल हम अभी निकलते हैं विंड भी काफ़ी तेज़ है 27 माइल्स पर आवर के हिसाब से विंड जा रही थी मैंने फ़ोन पर चेक किया था। इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार चैनल को फ्री है कोई पैसे नहीं है इसके सब्सक्राइब कर दिया करो कि मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।